I have been using Notion since very last month and I saw the result. It was very amazing. Basically, Notion is not just a note-taking app. It will help you to manage your product, task management and collaboration and many more things. मैं नोशन बहुत टाइम से यूज़ कर रहा था एंड मैंने देखा कि जो मेरा लाइफ या फिर जो मेरा वर्क का फ्लो होता है वो एकदम बहुत ही स्मूथली काम कर रहा था। मुझे चीज़ें ज़्यादातर याद नहीं रखनी रहती थी, रिमाइंडर्स मुझे मिल जाते थे, कोई भी चीज़ प्लान करनी रहती थी तो नोशंस पे बहुत सारी चीज़ें की टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, तो जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें प्लान कर लेता था। अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ नोशन, तो नोशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म और एक ऐसी वर्क स्पेस है जहाँ पे आप कोलैबोरेशन, मैनेजमेंट एंड अपने नोट्स, सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हो एंड मैनी मोर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आप इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। तो रिसेंटली मैं काफ़ी दिनों से नोशन यूज़ कर रहा था फॉर डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ एंड फॉर मैनेजिंग ऑल सच थिंग्स लाइक रीडिंग्स बुक्स, कॉलेज वर्क, क्लाइंट वर्क एंड यूट्यूब वीडियोज। पहले अगर हम बात करते हैं कि नोशंस कैसे एक यूज़फुल हो सकता है, कैसे आपकी लाइफ को थोड़ा सा एक पर्टिकुलर वे जो होता है, फ्लो होता है, या फिर थोड़ा सा प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं। नोशन विल हेल्प यू टू स्टे प्रोडक्टिव। अब ये कैसे होगा, देखो नोशंस एक ऐसा वर्क स्पेस है जहाँ पे आप टू डू लिस्ट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, कोलैबोरेशन या फ्रीलांसिंग कोई भी प्रोजेक्ट हो, एक सिस्टमेटिक वे में, एक सिस्टमेटिक फ्लो में आप उसको यहाँ पे बना सकते हो, टेबल्स में, बोर्ड्स में या एनीथिंग। बहुत सारी टेम्पलेट्स होती हैं नोशंस में। अब बात यह आती है कि ऐसा क्यों करना है। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमें वो सिस्टमेटिक या जो एक सीक्वेंस होता है हम उसमें नहीं करते। हम सोचते हैं कि पहले हम बड़ा वाला टास्क जो है वो ख़त्म कर लेते, देन हम स्मॉलर टास्क तो हम इजीली कर लेंगे, बट नहीं, एक सीक्वेंस, एक पूरा सीक्वेंस होता है किसी भी चीज़ को फिनिश करने का। आपने बहुत सारे रूल्स या फिर 8x8+8+ रूल सुना होगा, 80-20 रूल सुना होगा, तो ओके ये सब रहता है, सबको सभी पे तो एप्लीकेबल नहीं हो सकते ना वो रूल, तो किसी किसी को न्यू ऐसे बनाने पड़ता है। तो नोशंस में क्या करते हैं कि हम अपनी एक अपने यूज़फुल मतलब एक अपने अकॉर्डिंग एक टेम्पलेट्स बनाते हैं, जैसे कि मैंने ये बना रखी है कि मुझे यूट्यूब वीडियोस यहाँ से यहाँ तक अपलोड करनी है, इस डेट तक अपलोड करनी है, कौन सी प्रोग्रेस में चल रही है, रिकॉर्डेड हो गई है या अपलोडेड हो गई है, कब करना है, कितना टाइम करना है, और पूरा एक शेड्यूल मैंने उसे बना के रखा है जिससे एक प्रॉपर फ्लो रहेगा। इफ़ यू आर कॉन्टेंट क्रिएटर देन यू नो यू मस्ट हैव कॉन्टेंट कैलेंडर। अगर कंटेंट कैलेंडर नहीं है तो आप बस सोचते रह जाओगे कि मैं क्या बनाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। इसलिए मैं नोशन यूज़ करता हूं मेनली मेरे जितने भी सोशल मीडिया सोशल मीडियाज़ हैं उन सब के कंटेंट के लिए।